फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ चावल के आटे की एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। के लिए सबसे पहले हमें चावल के आटे को उबालना है। तो चावल के आटे को उबालने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी पानी को गर्म होने के लिए डाला हुआ है और आप देख सकते हैं कि अब ये गर्म हो चुका है। तो अब हम धीरे धीरे इसमें चावल के आटे को ऐड करेंगे। तो चावल के आटे को डालते हुए हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं पड़े और हमें देख भी लेना है कि हाँ यहाँ पर कितना हमें चावल का आटा लगेगा। तो अगर आप एक कटोरी पानी डालते हैं तो एक कटोरी पानी में आपको डेढ़ कटोरी चावल का आटा यहाँ पे यूज हो जाता है। तो ये देखिए अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा आटा इसमें हम और ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर डेढ़ कटोरी आटा मैंने ऐड कर दिया है और अब इसे इस आटे को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इस आटे को हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए आटा मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, हमारा जो आटा है वो अब ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। इसे हमें बिल्कुल जैसे गेहूं के आटे की आप रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसे गूंद लेना है और बिल्कुल चिकना गूंदना है। तो इसी तरीके से आप इसे गूंदिए अच्छे से। और ये देखिए पानी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप एक कटोरी पानी लेते हैं तो आपको डेढ़ कटोरी चावल का आटा लगेगा और उतना ही पानी में आपका जो चावल का आटा है वो अच्छे से पक जाएगा। आपको और पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब जो हमारा आटा है वो बिल्कुल चिकना हो चुका है। तो अब हम इसकी मिठाई बनाना स्टार्ट करेंगे। आटे की मैंने छोटी छोटी लोई तोड़ ली है। अब हम अपने हाथों में हल्का सा घी लगाएंगे और इसे बिल्कुल चिकना करेंगे। ये देखिए अब इसके बीच में हम थोड़ी सी थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इस तरीके से। सभी मिठाइयों के बीच में हमें इसी तरीके से स्पेस बना लेना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सभी मिठाइयों को मैंने रेडी कर लिया है और इसके बीच में मैंने स्पेस भी बना दिया है। तो अब हम आगे का स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने दूध ले लिया है। अब हम दूध में डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पे हम चीनी ऐड करेंगे। अब चीनी को हम मेल्ट होने देंगे, उसके बाद हम इसमें अपनी जो मिठाई है उसको ऐड करेंगे। वो हमारी मेल्ट हो चुकी है तो एक एक करके हम इसमें अपनी मिठाइयों को डाल देते हैं। और अब 7 से 8 मिनट दूध में ही हमें इन मिठाइयों को पकने देना है जब तक कि इसका जो दूध है बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल आप मीडियम रखिए। फ्रेंड्स, ये देखिए अब जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से पक चुकी है और दूध जो है वो भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं। मिठाइयों को निकाल करके मैंने यहाँ पर एक प्लेट में ले लिया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मावा लेंगे या मैंने घर पे ही तैयार किया है इस मावा को दूध से। तो आप ही तैयार कर सकते हैं या फिर आप मार्केट का मावा भी ले सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल हल्का सा हम फूड कलर डालेंगे। कोई भी फूड कलर आप डाल सकते हैं या फिर इस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर को मावे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इससे जो होगा मावे का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और देखने में ये बहुत ही प्यारा लगने लगेगा। और जब हम इसको मिठाई में डालेंगे तो फिर ये जो हमारी जो मिठाई है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखेगी।
तो यहाँ पे मैंने फूड कलर को अच्छे से मावे में मिक्स कर दिया है। अब हम मिठाई में इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मिठाइयों के बीच में जो हमने स्पेस बनाया है, उस स्पेस में हम इस मावे को इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए, इससे जो मिठाई का टेस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा और देखने में भी ये जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो आप हरा कलर या फिर पीला कलर, कोई भी कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी मावे को डाल सकते हैं। और सभी मिठाइयों में हमें इसी तरीके से इसके ऊपर मावे को डाल देना है। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में हमारी मिठाई, और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार इस मिठाई को बना करके आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।